हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल बेहतर। मैथ तक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन थ्री टाइप का है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम वही करेंगे, पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे जो अगली एक्सरसाइज में आ रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से ही जो अगली एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है। इसलिए जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएंगे हम आपको ये सारे पार्ट्स इंटीग्रेशन के मेथड है बताते जाएंगे। पहले यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई फंक्शन है जैसे कि आई बराबर एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी, ये कोई फंक्शन है। सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स में क्या कहते हैं, इसमें सबसे पहले ये कोई फंक्शन है एक्स का, तो सबसे पहले एक्स है ना, पुट एक्स इक्वल जी टी मान ले, सपोज करो इसने जी टी मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ इसकी जगह, इसका डिफरेंशिएशन कर दोनों डिफरेंशिएट बोथ साइड, यानी बोथ साइड क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल जी डैश अपॉन टी, ये डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स लाना है, यानी डी एक्स इक्वल जी डैश टी इंटू डी टी, यानी अब यहाँ डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं हम इसमें, जी डस टी डॉट टी टी आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट जी डैस टी डी टी, यहाँ तक कर दिया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे इजीली। इसके ऊपर कोई भी एग्जांपल ले लो बेस्ड, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन आई साइन एम एक्स डी एक्स, ये एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स है, एम एक्स है, तो यहाँ हमने क्या किया, एम एक्स इक्वल क्या ले लिया, डी के इक्वल टी के, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, एम एम का एम आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा, डी एक्स इक्वल डी टी होगा, डी एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, डी एक्स इक्वल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, वन अपॉन एम डी टी, आई की वैल्यू रखेंगे हम डी एक्स की साइन एम एक्स क्या है, वन अपॉन एम डी टी, एम एक्स की जगह क्या लिया था हमने टी, तो यहाँ क्या पुट कर लेते हैं वैल्यू टी साइन टी डी टी। ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस कॉस टी प्लस सी, और ये वन अपॉन एम यहाँ है तो डिवाइड में एम आ जाएगा, माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या है, एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। तो ये था इसका आंसर। ये मेथड आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड जो अगली एक्सरसाइज है कौन सी है, 7.2, इसको करेंगे। इससे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज उनको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं उन जो पिछले यानी पहले हमने नहीं कराए थे, जो कि आगे इम्पोर्टेंट हैं, तो अब इनको डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा साइन का फॉर्मूला है, कॉस का है, ठीक है, साइन का कॉस का, टेन का फॉर्मूला कोई नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, कुसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं बताया। तो यहाँ पे टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कुसेक एक्स, चारों के जो फॉर्मूले हैं, अगर कोई भी इंटीग्रेशन आ जाए टेन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो ये फॉर्मूला उसमें लगाएंगे। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, लॉग सेक एक्स प्लस सी, या ये इसके भी इक्वल है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, इसको रेसिप्रोकली उल्टा कर देंगे, वन अपॉन कॉस एक्स में चेंज करके। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी,
एंड स्कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही पूछे तो क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। वहीं सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोई पूछे तो आपसे क्या बोलोगे, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कुसेक एक्स, लॉग कुसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये चारों फॉर्मूले थे जो पहले हमने नहीं बताए थे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएगी उसमें जिनका यूज़ होगा तो इन फॉर्मूले आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। दिख रहा है ना? ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करेंगे 2x/1 x² इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। सबसे क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है, सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है, केवल कुछ नहीं करना। इस वाले को 1 x² पुट दिस इक्वल टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, इसका 2x हो जाएगा dx प्लस इक्वल dt। 2x dx आ रहा है इक्वल dt के, रख देंगे इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इस ये किसकी वैल्यू क्या है, t dt। 1/t का आपको पता होगा log t हो जाएगा प्लस c। log t की वैल्यू क्या है, 1 x² प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, log x का स्क्वायर अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ दिस इसमें आप क्या करेंगे, log x लेट log x इक्वल टी, log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, और अपॉन x dx इक्वल dt। वन अपॉन एक्स यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ log x की वैल्यू क्या है, t dt करेंगे, log x का स्क्वायर है t का स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 + 1 प्लस सी, यानी t³/3 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है इसमें, log x³/3 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे x कॉमन है, दोनों टर्म्स में x कॉमन ले लीजिए, 1 log x dx। अब क्या करना है, ये वाला टर्म है जो 1 log x, लेट 1 log x इक्वल टी मान लीजिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x dx इक्वल dt, 1/x आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, fx इंटीग्रेशन 1/log x क्या माना था, टी, ये आ गया था x dx, यहाँ पे मिल ही गया है हमको इक्वल dt के, वन इसका 1/t का क्या होता है, log t प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है, 1 log x प्लस सी, ये इसका आंसर है, log(1 log x) प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स, ठीक है, fx इक्वल इसमें क्या करेंगे, कॉस एक्स जो है ये वाला टर्म इसको टी मानेंगे, लेट कॉस एक्स इक्वल टी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, माइनस साइन इधर पर पहुँच जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस डी टी, यहाँ पर -12 आ गया ये वाला साइन, साइन एक्स डी एक्स हमको यहाँ मिली गया, ये हमने क्या माना था, टी, तो ये बचा साइन टी डी टी, साइन टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा कॉस, टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स प्लस सी,
तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है हमने। आगे जो अगला वीडियो आएगा उसमें 5 से स्टार्ट करेंगे और आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उतने क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ से आपको डेली रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म हुआ, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डेली रेगुलर मिलेगा, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। थैंक यू।